So in our last lecture, we discussed about the teaching and examination scheme for fourth semester electronics and telecommunication engineering. Now the program name is, our program name is electronics engineering program group. Our program code is EJ. This is semester fourth out of six total semesters. Our course title is linear integrated circuit. जो सब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं इस सेमेस्टर में, मतलब कोर्स पढ़ने जा रहे हैं उसको हम बोलेंगे, जिसका नाम है लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट और जिसका कोर्स कोड है 22423। अब हम उसका रेशनल देखेंगे क्या है। तो व्हाट इज द रेशनल, मतलब हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट में क्या है और क्यों हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना है या ये कोर्स पढ़ना है। तो उसका रेशनल है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज द मोस्ट वर्सेटाइल लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट। हम इसमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर पढ़ने जा रहे हैं जो बहुत ही वर्सेटाइल एक लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट है। लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब जिसका रिस्पांस, जिसका आउटपुट इनपुट पे लीनियरली डिपेंड होता है, मतलब जैसे इनपुट वेरी होता है आउटपुट लीनियरली उसके हिसाब से वेरी होता है। सो इट इज यूज्ड टू डेवलप द वेरियस एप्लीकेशंस इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एंड इक्विपमेंट्स। ओके, हेंस दिस कोर्स इज इंटेंडेड टू डेवलप द स्किल्स टू बिल्ड, टेस्ट, डायग्नोज एंड रेक्टिफाई द ओपीएम बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। हमें क्या करना है इसमें, इस सब्जेक्ट में ये सीखना है कि हाउ टू बिल्ड द ओपीएम बेस्ड लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट, हाउ टू टेस्ट दैट सर्किट, देन हाउ टू डायग्नोज दैट सर्किट एंड हाउ टू रेक्टिफाई द सर्किट्स बेस्ड ऑन ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ओके, दिस कोर्स डील्स विद द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रियल, कंज्यूमर एंड डोमेस्टिक एप्लीकेशन। अब ओपीएम बेस्ड लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट जो है हम वेरियस एप्लीकेशन में यूज करते हैं, सच एज कोई इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हो या कोई कंज्यूमर एप्लीकेशन हो या डोमेस्टिक एप्लीकेशन हो। ओके, सो इसके लिए हमें यह सब्जेक्ट पढ़ना जरूरी है, दैट इज द रेशनल ऑफ दिस सब्जेक्ट। और कॉम्पिटेंसी, अब यह सब्जेक्ट पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स में कौन सी कॉम्पिटेंसी डेवलप होना जरूरी है। कॉम्पिटेंसी मतलब ज्यादा मराठी में क्षमता मन तो क्षमता एबिलिटी, कौन सी एबिलिटी, कौन सी कॉम्पिटेंसी आप में डेवलप होना जरूरी है। व्हाट इज द एम ऑफ दिस सब्जेक्ट, कि ये सब्जेक्ट, ये कोर्स पढ़ने के बाद आप में कौन सी कॉम्पिटेंसी डेवलप होने वाली है। तो वो है मेंटेन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट। आप सपोज जॉब करने के लिए कोई इंडस्ट्री में गए या खुद का आपने बिजनेस स्टार्ट किया, कोई स्टार्टअप स्टार्ट किया, तो आपको क्या करते आना चाहिए, जो सर्किट लीनियर इंटीग्रेटेड, जो सिस्टम लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट की बनी है उस सिस्टम को आपको मेंटेन करता आना चाहिए, मतलब उसको इंस्टॉलेशन करता आना चाहिए, उसमें फॉल्ट आइडेंटिफाई करता आना चाहिए, फिर उसका कनेक्शंस करता आना चाहिए, डिवाइसिंग करते आना चाहिए आपको, उसकी रीडिंग लेते आना चाहिए, उसके बाद उसको मॉनिटरिंग करते आना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको करते आना चाहिए। सो दैट कॉम्पिटेंसी शुड बी डेवलप इन यू। तो इस कोर्स में पाँच कोर्स आउटकम है, वो पांच कोर्स आउटकम पांच डिफरेंट यूनिट से रिलेटेड है। तो कोर्स के आउटकम क्या है, मतलब ये कोर्स पढ़ने के बाद कौन से आपको आउटकम्स मिलने वाले हैं। सो फर्स्ट है यूज ओपीएम इन लीनियर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो ओपीएम को लीनियर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज करता आना चाहिए आपको, या आप यूज कर सकेंगे। उसके बाद यूज वेरियस कॉन्फिग्रेशन ऑफ ओपीएम फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के जो डिफरेंट कॉन्फिग्रेशन रहते हैं, सच एज इनवर्टिंग, नॉन इनवर्टिंग, डिफरेंशियल कॉन्फिग्रेशन, ये डिफरेंट जो ओपन लूप, क्लोज लूप, ये जो कॉन्फिग्रेशन है ये डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए आपको यूज करते आना चाहिए। थर्ड आउटकम है उसका ट्रबल शूट वेरियस लीनियर एप्लीकेशन ऑफ ओपीएम फॉर गिवन स्पेसिफिकेशन। आपको ट्रबल शूटिंग करता आना चाहिए ओपीएम के एप्लीकेशन को गिवन स्पेसिफिकेशन पे, ट्रबल शूट करते आना चाहिए, मतलब उसका फॉल्ट आइडेंटिफाई करता आना चाहिए। देन फोर्थ उसका कोर्स आउटकम है मेंटेन फिल्टर्स एंड ऑसिलेटर्स यूज्ड इन वेरियस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। जो फिल्टर्स रहते हैं, मतलब पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को पास करता है और बाकी फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट करता है, वो फिल्टर्स और ऑसिलेटर सर्किट, ऑसिलेटर मतलब जो सिग्नल को जनरेट करती है, ऐसे जो फिल्टर्स और ऑसिलेटर सर्किट है आपको उसको क्या करताना चाहिए, मेंटेन करताना चाहिए। मेंटेन करना मतलब क्या है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया। उसके बाद है फिफ्थ उसका कोर्स आउटकम, दैट इज ट्रबल शूट स्पेसिफाइड एप्लीकेशन यूजिंग वेरियस लीनियर आईसीज। आपको जो लीनियर आईसीज है उसको क्या करताना चाहिए, ट्रबल शूट करताना चाहिए लीनियर आईसीज।
अब ये लीनियर आईसी क्या रहती है, नॉन लीनियर आईसी क्या रहती है, ये सब हम इस कोर्स में वन बाय वन आप डिटेल्स में देखेंगे, ठीक है। फिर उसकी टीचिंग और एग्जामिनेशन स्कीम हमने ऑलरेडी लास्ट हमारा जो लेक्चर उसमें देखा है कि कितने आवर्स का टीचिंग है वीकली, फिर उसकी एग्जामिनेशन स्कीम कैसी है, उसको थ्योरी कितने मार्क्स की है, प्रैक्टिकल्स कितने मार्क्स का है, वो सब हमने देखा है ऑलरेडी, ओके। फिर ये कोर्स मैप रहता है, उसका कोर्स मैप में क्या होता है कि जो कॉम्पिटेंसी रहती है, हर कोर्स जब हम पढ़ते हैं या हमें कोई कोर्स पढ़ना होता है तो उस कोर्स की एक कॉम्पिटेंसी रहती है, मतलब वो कोर्स पढ़ने के बाद कौन सी कॉम्पिटेंसी क्षमता हमें विकसित होना जरूरी है, तो वो है मेंटेन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट। जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट की बनी हुई है उसको आपको मेंटेन करना चाहिए, ये मेन उसका गोल है इस कोर्स का। तो इस गोल को अचीव करने के लिए हमें डिफरेंट कोर्स आउटकम हमें क्या करना पड़ता है, सेटअप करना पड़ता है। ये कोर्स आउटकम फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अचीव करना होता है, उसके लिए प्रैक्टिकल कोर्स आउटकम हम थ्योरी लेक्चर से अचीव करते हैं, और उसके बाद रहते हैं प्रैक्टिकल आउटकम। प्रैक्टिकल आउटकम हम प्रैक्टिकल का यूज करके अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कोर्स मैप भी दिया है इसमें, उसके बाद सजेस्टेड प्रैक्टिकल से कुछ एक्सरसाइजेस है, तो प्रैक्टिकल भी हमें लैब में करना है इस बार। तो प्रैक्टिकल आउटकम रहते हैं, प्रैक्टिकल आउटकम में डिफरेंट प्रैक्टिकल्स है, दे यूज रिलेवेंट इंस्ट्रूमेंट्स टू मेजर द डिफरेंशियल इनपुट रेजिस्टेंस, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, ये क्या करना है हमें मेजर करना है, ये सब एक्सपेरिमेंट हम लेबोरेटरी में करने वाले हैं। उसके बाद सेकंड एक्सपेरिमेंट है, प्रैक्टिकल आउटकम है, मेजर द आउटपुट वोल्टेज स्विंग पैरामीटर ऑफ ओपैम्प। उसके बाद यूज रेलेवेंट इंस्ट्रूमेंट टू डिटरमिन द गेन ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। उसके बाद बिल्ड द एंड टेस्ट द एडर एंड सब्ट्रैक्टर सर्किट। हम ओपैम्प का यूज करके, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज करके क्या कर सकते हैं, एडर और सब्ट्रैक्टर सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद बिल्ड एंड टेस्ट इंटीग्रेटर सर्किट, हम ओपैम्प का यूज करके इंटीग्रेटर सर्किट भी डिजाइन कर सकते हैं। इंटीग्रेटर मतलब जो इंटीग्रेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करता है। उसके बाद बिल्ड एंड टेस्ट डिफरेंशिएटर सर्किट कंसिस्ट ऑफ IC741 का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएटर सर्किट कंसिस्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं, मतलब जो इनपुट सिग्नल पे डिफरेंशिएशन का ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। उसके बाद बिल्ड एंड टेस्ट द वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर, हम वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर, करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर सर्किट भी बिल्ड कर सकते हैं। उसके बाद जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर, पीक डिटेक्टर, उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर डिजाइन करना यूजिंग IC LM324, ये भी ओपैम्प की आईसी रहती है, इसमें चार आईसी बिल्ड किया रहता है, एक ही आईसी में चार ओपैम्प बिल्ड किए रहते हैं। उसके बाद यूज रेलेवेंट इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द बैंडविड्थ एंड कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन फर्स्ट ऑर्डर लो पास बटरवर्थ फिल्टर, इसमें हम डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स फिल्टर भी, फिल्टर के एक्सपेरिमेंट भी हम परफॉर्म करने वाले हैं। उसके बाद यूज रेलेवेंट इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द बैंडविड्थ एंड कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ गिवन हाई पास फर्स्ट ऑर्डर हाई पास बटरवर्थ फिल्टर, जैसे यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर रहता है वैसे हाई पास फिल्टर भी रहता है। लो पास फिल्टर क्या करता है, लो फ्रीक्वेंसी को पास करता है और हाई फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट करता है, और हाई पास फिल्टर क्या करता है, हाई फ्रीक्वेंसी को पास करता है और लो फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट करता है। उसके बाद कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ गिवन नॉच फिल्टर, उसके बाद RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर भी हम एक्सपेरिमेंट उसमें करने वाले हैं, फिर वाइन ब्रिज ऑसिलेटर हो गया। उसके बाद बिल्ड और टेस्ट मल्टी ऑपरेटर यूजिंग IC555, जो मल्टी ऑपरेटर मतलब जो नॉन साइनोसॉइडल सिग्नल जनरेट करता है उसके बारे में भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। मल्टी ऑपरेटर के तीन टाइप रहते हैं, मोनोस्टेबल, अस्टेबल और बायस्टेबल। तो ये सब प्रैक्टिकल आउटकम हम इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करके अचीव करने वाले हैं, तो प्रैक्टिकल हम लेबोरेटरी में परफॉर्म करेंगे। सो ये प्रैक्टिकल के डिफरेंट यहाँ पे ये दिया हुआ है, हमारे वेटेज परसेंटेज में दिया हुआ है कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर है ये एक्सपेरिमेंट सेटअप करना है आपको, ये एक्सपेरिमेंट सेटअप को 20% वेटेज, सेटिंग एंड ऑपरेशन को 20% वेटेज, सेफ्टी मेजर्स को 10% वेटेज, ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग को 10% वेटेज, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट एंड कंक्लूजन को 20% वेटेज, आंसर टू सैंपल क्वेश्चंस को 10% वेटेज, सबमिशन ऑफ रिपोर्टिंग टाइम को 10% वेटेज, ऐसा आपको 100% वेटेज हर एक्सपेरिमेंट को रहता है। सो 25 मार्क्स का एक एक्सपेरिमेंट आपका रहता है। फिर सेफ्टी प्रैक्टिसेस आपको फॉलो करना होता है, गुड हाउस कीपिंग, एनर्जी कंजर्वेशन को आपको अचीव करना होता है, टीम
member as a good team member आपको good team member बन के काम करना होता है, ethical practices follow करना होता है, ठीक है। तो कुछ instruments लगते हैं, हम ये lab में देखेंगे। उसके बाद जो theory components है कि क्या क्या हमें पढ़ना है इस subject में, क्या content है हमारा, वो हम सब next lecture में देखेंगे। यहाँ तक अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। अदरवाइज जो बाकी का जो टॉपिक है कि सिलेबस में हमें क्या क्या देखना है, क्या क्या कंटेंट है हमारे थ्योरी में हमें क्या क्या पढ़ना है, वो सब हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।